गुड मॉर्निंग एवरी वन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग वेलकम टू यूपीसी अड्डा टू फोर सेवन वेलकम 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 कैसे हैं आप लोग नहीं दीपचंद जी क्लास होगी होगी जरूर होगी ऐसा होता है तो प्री इंफॉर्मेशन रहता है ये कभी कभार ही ऐसा होता है कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई और क्लास uh, नहीं हो पाई ये ऐसा कभी कभार होता है अदरवाइज क्लास अगर है तो है क्लास जरूर होती है और डेली क्लास आप लोग नहीं ले रहे हैं इस बात की शिकायत मुझे है क्योंकि अगर हर सेशन पे कुछ कम ज्यादा व्यूज आ रहे हैं इसका मतलब कि आप लोग सेशन में कंसिस्टेंट नहीं हैं तो आप कंसिस्टेंट रहिए डोंट सेटल फॉर एवरेज एवरेज मीडियोकर बन के रहकर कोई फायदा नहीं है आपको हमेशा लाइफ में कुछ अलग करना पड़ेगा कुछ अच्छा करना पड़ेगा और इसके लिए रेगुलर स्टडी कंसिस्टेंट रहना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है ठीक है तो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बिकॉज ऑफ कॉलेज ओके okay, ओके okay, रमनदीप आपको कॉलेज आना है चलिए तो ये देखिए ये अड्डा का एप और ये यूपी का चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आज हमारा जो है लेक्चर वो लेक्चर है इलेवन ठीक इलेवन लेक्चर इलेवन है ये टेन नहीं है मतलब नेक्स्ट लेक्चर है वैसे टॉपिक हमारा एक ही है तो टॉपिक अभी हम लोग पढ़ रहे हैं रिफॉर्म मूवमेंट रिफॉर्म मूवमेंट में कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था जो आ, ल, गर्ल्स गर्ल्स के लिए विमेन्स के लिए जो रिफॉर्म हुए थे उसके लिए जो अलग से कोशिश किए गए प्रयास किए गए और आज हम लोग रिफॉर्मर के साथ देखेंगे कि कास्ट के लिए क्या क्या कोशिशें हुई थी कास्ट में रिफॉर्म के लिए और लास्ट में हम लोग टेन एम भी लगाएंगे आज टेन नहीं आज ट्वेल्व एम है ठीक है तो एम जो है मैं तब तक वो बना देती हूँ जब तक ऐसा लगता है इसमें भी बना देना चाहिए इसमें भी बना देना चाहिए तो आज आप लोगों का ट्वेल्व एम है ठीक तो ये जो ब्रह्मास्त्र सीरीज में जो हम लोग करते हैं तो आप पढ़ते हैं फिर इस पर क्या लगाते हैं आप कि आप लोगों का पूरा का पूरा जो है तैयार होता चला जाएगा हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर ठीक है और ये थ्री पी एम टू फोर थर्टी डेली मेरा सोशोलॉजी क्लास चल रहा है डेली चल रहा है आप इसके साथ आकर आप अपना ऑप्शनल की तैयारी कर सकते हैं ये 2023 वालों के लिए भी है 2024 वालों के लिए भी है प्रीलिम्स के पहले टारगेट है मेरा कि मैं इसको कंप्लीट कर दूंगी तो डेली क्लास चल रही है टॉपिक वाइज चल रही है और हम आंसर राइटिंग सेशन भी इसमें कर रहे हैं मैं फीडबैक भी दे रही हूँ आप किसी से भी आप इसका ले सकते हैं फीडबैक और ये हमारा जीएस का बैच है ठीक तो ये वाला जो है इसका आप लोग को सिक्सटी वन हंड्रेड पड़ेगा मेरे कोड के साथ वाई फाइव सिक्स वन और ये जो कोर्स है ये जो कंप्लीट फाउंडेशन बैच है जिसमें आप लोग का जीएस कम्प्लीट कराया जाएगा तो ये ये जो है आप लोगों का ये मेरे कोड के साथ इलेवन थाउजेंड का पड़ेगा आपका ठीक तो लगभग सोलह हजार में आप लोग का सोलह सत्रह हजार में आप लोगों का क्या हो जाएगा पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स आप लोगों का हो जाएगा और ये 10 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है मेरा भी 10 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है, अभी ज्यादा निकला नहीं है ठीक और मैं हमेशा एक चीज की गारंटी देती हूं कि मैं मैं ने एक ही अपना वो वैल्यू बनाया है कि ईमानदार रहो कैसे टुवर्ड्स स्टूडेंट्स आप लोगों के प्रति एक ईमानदारी हमेशा मैंने बरती है और वो ईमानदारी हम किस में बरत सकते हैं तो पढ़ाने में कि आपको किसी इल्यूजन में ना रखा जाए आपको बस ऐसे टाला ना जाए या तो पढ़ाया न जाए या जो पढ़ाया जाए वो ऐसा पढ़ाया जाए जहाँ से क्वेश्चन आते हैं जहाँ से आपको आपको ये हेल्प मिले कि हाँ बस अब इस सब्जेक्ट के लिए अब मैं बस यहाँ पर रिलाई करना है कोई फालतू बात नहीं होती कुछ वो नहीं होता मैं हमेशा कंटेंट ही दिया है मैंने और हमेशा आप लोगों के साथ इसी पर मैंने बातचीत किया सिर्फ पढ़ाई पर ही बातचीत किया है बहुत ज्यादा फालतू बातचीत में नहीं करती हूँ और इसके पीछे बस यही रीजन है कि मैं मैं जो है अपने आप से नजर मिला सकूं मैं अपने आप को ये कह सकूं कि हाँ मैं मैं अपने काम के लिए ऑनेस्ट हूँ और मैं ऑनेस्टली <coughs> अपना काम कर रही हूँ और आप लोगों के साथ भी मैं न्याय कर रही हूँ जस्टिस कर रही हूँ अपने आप से नजर मिलाना एक बहुत बड़ी बात होती है है ना? तो आप आप मैंने जो का कोर्स लॉन्च किया है, आंख बंद करके जिन्होंने भी सोचा है आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि इसी को मैंने बहुत महंगी फी में पढ़ाया है इसी को इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सस्ते में पढ़ा रही हूँ लेकिन मेरे पढ़ाने में कोई फर्क नहीं है ठीक है तो हम लोग जो है ये कर रहे हैं इसका आज हम लोग पार्ट टू ये बहुत बड़ा सेक्शन है ठीक है बहुत बड़ा मतलब इसको एक एक घंटे में खत्म करना संभव नहीं है तो कल कुछ किया कुछ आज कर रही हूं और मैं अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट जो होता है उसी को मैंने लिया है ठीक है बिल्कुल और आप लोगों को भी होना चाहिए बिल्कुल चल जाएगा राहुल बागल Uh, सिर्फ और सिर्फ उसमें आप ये कर लीजिएगा कि जो भी अपडेटेड uh, या करेंट में जो है उसको अपडेट कर लीजिए बाकी कोई दिक्कत नहीं है चल जाएगा ठीक है हाँ जी तो हम लोग जो है कल कल हम लोगों ने पढ़ा था विमेन्स कंडीशन पर आज मेनली फोकस रहेगा कि जो कास्ट के लिए किया गया जिन्होंने और मेनली फोकस मैंने रिफॉर्मर्स और ऑर्गेनाइजेशन और पर रखा है क्योंकि यहाँ से भी आप लोग को बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है कि कौन कौन से रिफॉर्मर्स हुए कौन कौन किसने किसने बनाए ये मेनली आप लोगों का रहता है ठीक फोर्थ एडिशन मैंने शुरू किया था फोर्थ एडिशन मैंने शुरू किया था लेकिन आप लोगों का रिस्पांस थोड़ा अच्छा नहीं मिला था इसीलिए मैंने उसको रोक दिया तो अभी आप लोगों को टेंशन नहीं है ठीक है और अभी टेंशन नहीं लेने की जरूरत है आप लोगों को जैसा कि मैंने कहा कि इसी में मैं करवा दूंगी सारा जैसे जैसे हमारा कंप्लीट होता चला जाएगा आप इस सेशन के साथ बने रहिए और बीच बीच में कभी मौका मिला तो मैं मैराथन ले लूंगी आप लोगों का ठीक है तो सुधारक और सुधारवादी संगठन रिफॉर्मर्स एंड रिफॉर्मिस ऑर्गेनाइजेशन तो बिना राजा राम मोहन राय की बात किए आगे बढ़ना अच्छा नहीं लगेगा इट विल नॉट साउंड गुड बिकॉज इन्हीं को कहा गया था लाइट ठीक है इनको कई नाम से पुकारा गया है तो ये रेनेसा के प्रकाश स्तंभ कहे जाते हैं और टॉर्च लाइट कहे जाते हैं इसके अलावा जो है आप लोगों को मतलब ये पिलर फिर कुछ लोग कहते हैं इनको जनरेटर अग्रदूत कहते हैं कुछ लोग इनको आधुनिकता का जनक कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्निटी इन इंडिया तो कई नामों से इनको जाना जाता है ठीक तो फादर ऑफ मॉडर्निटी इन इंडिया पुनर्जागरण के अग्रदूत ठीक है जनरेटर ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट और लाइट ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट मतलब कई नामों से तो हमेशा आप लोग इनका नाम याद रखेगा और मैंने यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या रखी है तो बिना इधर उधर की बात किए हुए सिर्फ फैक्ट क्यों क्योंकि ये प्रिलिम्स स्पेशल सीरीज है बिपिन चंद्रा की अगर आप बुक पढ़ेंगे तो बिपिन चंद्रा ने राजा राम मोहन राय पर बहुत डिटेल में लिखा है बहुत डिटेल में ठीक है ये अपनी सोच में कैसे थे अपने परिवार में कैसे थे इनके परि इनकी माता ने इनसे कभी बातचीत नहीं की बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड कि जो वो ट्रेडिशन को नहीं मानते थे जो उन्होंने जो जितनी स्टीरियो टाइप ट्रेडिशन थे थिंकिंग थे, थे उसको इन्होंने चैलेंज किया उसको इन्होंने तोड़ा और हमेशा हमेशा प्रोग्रेसिव बातें की इन्होंने परंपराओं को तोड़ने की वजह से इनकी मदर इनसे बात नहीं करती थी और इनकी मदर ही नहीं सोसाइटी के बहुत सारे लोग इनसे बात नहीं करते थे तो राजा राम मोहन राय पर मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है ऐसी बात नहीं है अगर मेंस के लिए आप लोगों को राजा राम मोहन राय को तैयार करना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट बुक है बिपिन चंद्र बिपिन चंद्र ने इतनी फुर्सत से राजा राम मोहन राय के बारे में लिखा है जितना और किसी ने भी नहीं लिखा यहाँ पर मैंने सिर्फ फैक्ट रखे हैं सिर्फ फैक्ट्स ठीक तो फैक्ट्स में क्या क्या तो इनकी एक बुक का नाम याद रखिएगा गिफ्ट ऑफ मोनोथेस्ट मैंने आप लोगों को कर, बताया था ना कि अः जो एकेश्वरवादी बहुत इतराते थे एकेश्वरवाद को मोनोथेइज्म कहते हैं ठीक है बहुत सारे लोग टी एच साइलेंट कर रहे थे मोनिज्म कह देते हैं ठीक है तो मोनिज्म मोनेइज्म इसको कहते हैं केशवरवाद को एक केशवरवाद ही इस पर इतराता है कि हम सिर्फ एक देवता को मानते हैं आंख बंद करके एक देवता को मानते हैं और हम किसी और ये सब प्रपंच में नहीं पढ़ते कि फला देवता फला देवता दुर्गा देवी इन सब में नहीं पढ़ते वो मजाक उड़ाते हैं कि कैसे कैसे तुम्हारे भगवान है किसी का सूंड लगा हुआ है किसी का फेस मंकी की तरह है किसी के चार हाथ हैं है हाँ ना किसी के जो है बारह हाथ है तुम्हारे कैसे कैसे भगवान है तो इसका उन लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था तो उसी पर इन्होंने एक बुक लिखी थी और इन्होंने इसमें गिफ्ट ऑफ मोनो थे इसमें जो एटीन हंड्रेड नाइन में लिखी थी इसमें इन्होंने कहा था कि तुम्हारे में भी है तो इस क्रिस्टानिटी में क्या है क्रिस्टानिटी में अलग अलग संतों की पूजा की जाती है सेंट जेवियर सेंट पॉल सेंट फ्रांसिस है ना इनकी वो लोग सेंट की उपाधि देते हैं और उनका उनका जो है आइडल बना करके वो पूजा करते हैं तो जिस आइडल वॉरशिप की इन्होंने मजाक उड़ाई थी उस पर इन्होंने कहा था कि भाई तुम्हारे में भी है ठीक है और इन्होंने जो है फिर 1814 में आत्मीय सभा बनाया था कलकत्ता में ये भी याद रखिएगा आत्मीय सभा ये सब ब्रह्म सभा बनाने के पहले के, के इनके वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो जनरली ब्रह्म सभा तो बहुत ही कॉमन है है ना ब्रह्म सभा बहुत ही कॉमन है लेकिन जो है ये भी आप लोग याद रखेगा कि ये सारे ऑर्गेनाइजेशन भी इन्होंने ही बनाए थे तो आत्मीय सभा ठीक 1814, 1809 में इनकी बुक और 1820 में एक और बुक इन्होंने लिखी थी प्रिसेप्ट ऑफ जीसस। क्या लिखी थी इन्होंने प्रिसेप्ट ऑफ जीसस

Uh, कटाक्ष किया कमेंट किया तो ईसाई ये समझने लग गए थे कि भाई ये ना ये अब बन जाएंगे क्रिश्चियन बन जाएंगे तो प्रीसेप्ट्स अब जीसस में इन्होंने पूरा खोलकर कंपैरेटिवली एक बात की थी हिंदूइज्म के साथ और इन्होंने कहा था कि इसमें भी बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स आ गए हैं ठीक तो फिर ब्रह्मा सभा तो ब्रह्म सभा 1828 ये तो बहुत कॉमन फैक्ट है ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा बस ब्रह्म सभा का ये याद रखिएगा कि इसकी फिलॉसफी क्या थी आइडल वर्शिप नहीं करना है आइडल वर्शिप मूर्ति पूजा का बहुत जोरदार इन्होंने खंडन किया था ठीक है और सिर्फ आइडल मूर्ति ही नहीं कोई चित्र भी नहीं लगाएंगे कोई पेंटिंग भी नहीं लगाएंगे आप तो ना कोई मूर्ति ना कोई पेंटिंग है ना किसी भी चीज की पूजा करने की अनुमति नहीं थी आप पूजा आप मतलब रिचुअल्स नहीं करेंगे ठीक तो ये इनका जो है क्या था इनका और ये सभी किताबों पर चाहे वो बाइबल हो कुरान शरीफ हो गीता हो भगवत गीता हो चाहे वेद हो इन्होंने कहा इन्होंने कहा कि कोई भी बुक कोई भी बुक जो है फ्लॉलेस नहीं हो सकती त्रुटि रहित नहीं हो सकती सभी किताबों में कुछ अच्छा है तो कुछ उसमें जो है दिखावा भी है है ना और इन्होंने जो है इन, इनका जो टारगेट था कि इन्होंने हिंदुजम को ये छोड़ना नहीं चाहते थे की, की अपनाया जो अच्छा था सोसाइटी के लिए जैसे समानता स्वतंत्रता है ना ये इस तरह की बातें और जो कर्मकांड नहीं करना है ये ऐसी बातों को ये करते थे तो इन्होंने कहा कि भाई मतलब निर्गुण ब्रह्म जो शंकराचार्य कह गए थे तो इनका ये था कि निर्गुण ब्रह्म में आप विश्वास करो ठीक यही क्यों, आप जो है जो गॉड है गॉड हैज़ नो 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 शेप, नो कलर, नो शेप, कलर, तो इन्होंने कहा कि जो है निर्गुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो और इसी उद्देश्य के साथ इन्होंने उपनिषदों उपनिषद की बातों को लोगों के सामने रखा क्योंकि उपनिषदों में भी यही बातें की गई थी तो इन्होंने कहा कि हमारे सनातन धर्म के जो फाउंडर्स रहे हैं मतलब हमारे जो वेदिक लोग रहे हैं वो भी यही चाहते थे ठीक है तो उपनिषदों को इन्होंने सब के, बहुत वो किया और एग्जाम्पल दे देकर लोगों को समझाया कि भाई आप जिस चीज को फॉलो कर रहे हो हमारे वेदों में और या हमारे उपनिषदों में भी वो बात नहीं की गई है जैसे आप जैसे औरत को जिंदा जलाते हो तो सती प्रैक्टिस के बारे में भी कहा जो रिलीजन में जो आ गए थे उन सब के बारे में इन्होंने कहा था ठीक है इसके बाद जब इनकी डेथ हो जाती है राजा राम मोहन राय की डेथ कहाँ पर हुई थी राजा राम मोहन का बहुत दिनों बाद क्यों ले रहे सुधीर राव जी आपको रोज लेना चाहिए है ना आपको हमेशा क्लास लेनी चाहिए आप लोग इतने टाइम मैं तो यही कहती हूँ कि भाई रोज रही है क्लास में इस मैं वही तो सोचती हूँ कि भाई कहाँ गए मेरे स्टूडेंट कहाँ गए सारे जो मेरे सेशन में हमेशा रहा करते थे तो राजा राम मोहन राय की डेथ कहा हुई थी कहा हुई थी राजा राम मोहन राय की डेथ घटना चक्र पर मत जाइए मैं जो डेट दे रही हूँ वो एकदम डेट बढ़िया है एकदम परफेक्ट डेट दे रही हूँ मैं आप लोगों को ठीक है घटना चक्र में कई बार जो है आ, इधर उधर की भी बात मतलब देखिए ऐसा है कि इनका जो है 1815 में मतलब 1815 16 ऐसे करके इधर उधर कई बार लोग डेट लिख देते हैं यूके ठीक है तो यूके में एक जगह था ब्रिस्टल ब्रिस्टल ठीक है ब्रिस्टल में इनकी डेथ हुई थी और कब हुई थी तो 1833 में हुई थी राजा राममोहन राय की डेथ कब हुई थी तो ब्रिस्टल में 1833 में ये ब्रिस्टल क्यों गए थे तो ये आप लोगों से नहीं पूछा जाता है यूपीएसी तो नहीं पूछता छोटे-छोटे एग्जाम पूछते हैं तो ये ब्रिस्टल इसलिए गए थे क्योंकि इनको अकबर दूतीय मुगल एम्पर अकबर सेकंड ने इनको महारानी के पास भेजा था किस लिए तो अपने पेंशन को बढ़ाने के लिए तो इसके लिए इनको उन्होंने ही राजा का टाइटल दिया था राजा राम मोहन राय को उन्होंने राजा का टाइटल देकर और भेजा था इंग्लैंड में ठीक है तो अच्छा तबीयत खराब रहती है भाई ध्यान रखिए अपने को तो जब राजा राम मोहन राय की डेथ हो गई ठीक है जब राजा राम मोहन राय की डेथ हो गई तो ब्रह्म सभा को देवेंद्र नाथ टैगोर ने संभाला ये देवेंद्रनाथ इन्हीं को द्वारका नाथ टैगोर के नाम से भी लोग जानते हैं ठीक जो रविन्द्रनाथ टैगोर के फादर थे तो इन्होंने ब्रह्मा समाज को संभाला और ये पहले से ही एक इन्होंने क्या बना रखी थी तो एक अपने लिए एक सभा बना रखी थी जिसको तत्व बोधिनी या ज्ञानवर्धिनी सभा कहते हैं 1842 में ये सम्मिलित हुए थे ब्रह्म समाज में उसके पहले तत्व बोधिनी इन्होंने 1839 में बनाया था ठीक और एक ये मैगजीन भी निकाला करते थे एक बंगाली बंगाली लैंग्वेज में ये मैगजीन भी निकाला करते थे जिसका नाम था तत्व बोधिनी पत्रिका यही सारे आप लोगों को फैक्ट्स आप लोगों को याद रखने हैं ठीक ऐसे आपको लगता है कि मैंने बहुत बार पढ़ लिया लेकिन जब आप एग्जाम में जाते हो तो आप भूल जाती हो और फिर ब्रह्म सभा से ही केशव चंद्र सेन जुड़े थे ठीक केशव चंद्र सेन में उन्होंने मेंबरशिप ली थी इनका पीरियड भी मैंने दे दिया था तो नाथ टैगोर ने इनको क्या बनाया था ब्रह्म सभा का तो आचार्य ठीक आचार्य बनाया था इन्होंने और इन, ब्रह्म सभा को पूरे भारत में फैलाने का जो क्रेडिट दिया जाता है वो केशव चंद्र सेन को ही दिया जाता है तो केशव चंद्र सेन ने जो ब्रह्म सभा की जो ब्रांचेज हैं उसको बंगाल से बाहर जो यूनाइटेड प्रोविंस बंबई मद्रास पंजाब सब जगह उन्होंने इसके ब्रांचेज जो है ओपन कराए आउटसाइड बंगाल तो केशव चंद्र सेन ने बहुत ज्यादा इसको फैलाया था ठीक है बाद में दोनों में मतभेद हो गया था और मतभेद बहुत मतलब ज्यादा डिफरेंस हो गया था तो उन्होंने डिसमिस कर दिया था देखो फिर चला गया ये बीमारी जा ही नहीं रही है क्या करे भाई अभी ठीक है जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा उठा के पटक दू ठीक है के बिहारी मैं पेटीएम नंबर देती हूँ अगर टू टूट जाएगा ना तो आप मुझे पैसे भेज दीजिएगा सिस्टम लेने के लिए ठीक नहीं सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है।, है ना ये प्रॉब्लम जो है वो पकड़ में नहीं आ रही है एक्चुअली टेक्निकल टीम ने सारा मुआयना भी कर लिया है और मेरे सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है अब यहाँ पर कैसे कहीं बीच में ऐसा लगता है कि कुछ ओबीएस जहां से मैं लाइव होती हूँ वहां से कुछ ऐसा होता है कि उस सिस्टम में जो करेंट उसका फ्लो हो रहा है वहां कुछ फ्लक्चुएशन है क्या है आ, वो ही पकड़ में नहीं आ रहा ठीक है हां जी तो मुश्किल से एक मिनट भी नहीं लगता है और एक आध बार हो जाता है कभी नहीं भी होता है वायर वायर में ही प्रॉब्लम है बिमल मुझे भी लग रहा है कि वायर ही चेंज कराना पड़ेगा कहीं कही ना कहीं वायर से जो है यही कुछ है ठीक है तो याद रखिएगा आप लोग नौ, नौ समाज न्यू ब्रह्म समाज के फाउंडर कौन थे तो न्यू ब्रह्मा समाज के फाउंडर थे कौन तो केशव चंद्र सिंह जिन्होंने 1866 में इसको बनाया था ठीक और जो पुराना वाला जो ब्रह्म समाज था राजा राम मोहन राय वाला उसको आदि ब्रह्म समाज ठीक है आदि ब्रह्म समाज के नाम से उसको जाना गया यानी आदि का मतलब होता है ओल्डेस्ट आदि का मीनिंग क्या होता है ओल्डेस्ट होता है तो इसको ओल्डेस्ट ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया तो तो इस तरह से दो दो मेन ब्रांचेज बन गई थी ब्रह्म समाज की एक देवेंद्र टैगोर के चेयरमैनशिप में और एक बन गई थी केशव चंद्र सेन की देखिए काफी यंग बंगाल का हेनरी विवियन डेराजियो से इस बार 2022 में शायद क्वेश्चन था मेरे ख्याल से बेथून से 2021 में था एक बार चेक करिएगा ये मुझे जहां तक याद आ रहा है तो ये जो हेनरी विवियन जो डेराजियो हैं इनके बारे में भी बिपिन चंद्र बहुत ज्यादा डिटेल में लिखते हैं मैंने यहाँ पर एकदम शॉर्ट में आपको समझाया है तो देखिए ये फोर्थ डिकेड में फोर्थ डिकेड में ये शुरू हुआ था 19 सेंचुरी के फोर्थ डिकेड में 1826 टू 31 ये हिंदू कॉलेज कलकत्ता कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में ये क्या रहे थे तो उसमें ये लेक्चरर रहे थे हेनरी विवियन डेराजियो अच्छा हिंदू कॉलेज के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ कि हिंदू कॉलेज हिंदू कॉलेज के फाउंडर थे राजा राममोहन रॉय याद रखिएगा ये जिस हिंदू कॉलेज के लेक्चरर थे उसके फाउंडर उसके फाउंडर कौन थे राजा राम मोहन राय एक ब्रिटिश थे हेनरी हेनरी ही आई थिंक उनका नाम था नहीं हेनरी हैनरी सॉरी डेविड हेयर एक उनका था डेविड हेयर नाम था उनका ठीक तो डेविड हेयर के हेल्प से राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज ठीक है हिंदू कॉलेज को राजा राम मोहन राय ने उसको बनाया था ये कब बनाया था तो 1817 में 1817 में उसी उसी हिंदू कॉलेज में ये 1826 टू 31 ये क्या थे डेराजियो दे, डेराजियो लेक्चरर थे और वहां पर वहां पर जब ये काम कर रहे थे तो वहां पर इन्होंने जो है और अच्छा ये एंग्लो इंडियन थे याद रखिएगा ये एंग्लो इंडियन थे ठीक तो इन्होंने जो है उस समय जो कॉलेज के यूथ थे उनको इन्होंने एकदम एनर्जाइज किया और कहा कि किस चक्कर में पड़े हुए हो भाई तुम ये ये सब ये सब पाखंड ये सब जो रिचुअल्स ये सब जो परंपरा के नाम पर जिनको चलाया जा रहा है ये इस चक्कर में क्यों पड़े हो तोड़ दो सब खत्म कर दो जो लोग थोड़े से अतिवादी होते उनको रेडिकल कहा जाता है मतलब जो अतिवादी इन द सेंस की जो बहुत एक्सट्रीम बात करते हैं जो बहुत एक्सट्रीम बात करते हैं उन्हीं के लिए रेडिकल वर्ड यूज किया गया ये वर्ड यूरोप से आया था ठीक? तो रेडिकल या एक्सट्रीमिस्ट इनको कहा जाता है और बहुत सारे इन्होंने जो चलाया था मूवमेंट उसको यंग मु... बेंगोल मूवमेंट के नाम से जाना गया ठीक तो यंग बेंगाल मूवमेंट ये आप लोग याद रखिएगा और इसको जो है इसको चलाने वाले कौन तो हेनरी जो कि एक एंग्लो इंडियन थे तो इन्होंने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी तो ऑर्गेनाइजेशंस का नाम जरूर याद रखना आप लोग क्यों याद रखना क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है इस बार शायद क्वेश्चन है आई थिंक 2022 में देखना आप लोग तो एकेडमिक एसोसिएशन ठीक सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन बंगहित सभा डिबेटिंग क्लब इसमें कोई भी आप लोगों से पूछा जा सकता है ये मैं हमेशा ये कहती हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आ ही सकता है कभी भी बहुत ही कम एज में इनकी डेथ हो गई थी 1831 में जैसे ही इनकी डेथ हुई ये आंदोलन बिखर गया याद करते हुए चल रहे कि नहीं आप लोग मतलब पढ़ा कई बार होगा सुना कई बार होगा लेकिन आप लोगों को याद नहीं होता है और मैं देखती हूं कि धीरे जब इंपॉर्टेंट कोई भी बात पढ़ा, बताई जाती है तो आप लोगों का उसमें इंटरेस्ट कम हो जाता है आपको लगता है हमको तो सब आता है और जब क्वेश्चन बनाओ तो गायब प्रार्थना समाज ये आत्मा राम पांडुरंग किसकी हेल्प से केशव चंद्र सेन तो केशव चंद्र सेन की हेल्प से आत्मा राम पांडुरंग ने 1867 डेट भी याद रखेगा और प्लेस भी याद रखेगा 1867 बंबई में ठीक अच्छा प्रार्थना समाज में आत्माराम पांडुरंग के अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि किनका किनका पार्टिसिपेशन रहा तो एम जी रानाडे ठीक जिन्होंने सोशल कॉन्फ्रेंस बनाई थी कल हमने बात की थी एम डी रानाडे आर जी भंडारकर जो कि एक नेशनलिस्ट हिस्टोरियन रहे हैं और एन जी चंद्रवरकर सोशल इन्फॉर्मर तो ये लोग प्रमुख थे ठीक है, ये लोग लीडर्स भी थे, भी थे, थे, रिफॉर्मर्स तो इन लोगों का भी आत्माराम पांडुरंग के साथ पार्टिसिपेशन इन लोगों का भी था तो इन लोगों का भी नाम आप लोग याद रखेगा कई बार पर्सनालिटी से भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है क्या कह रहे हैं मल्टीवर्स भाई आप लोग तो चले तो मुझे समझ नहीं आया आप लोगों को हाँ आपस में चले ठीक है ठीक है हाँ तो बाल शास्त्री जाम्बेकर इनका पीरियड याद रखेगा और ये इनका जो है नाम क्या याद रखेंगे कि मुंबई में थे मुंबई में थे और इन्होंने एक दर्पण दर्पण एक मैगजीन निकालना शुरू किया था और इनको मराठी पत्रकारिता का जनक कहा जाता है फादर ऑफ फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म ठीक तो फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म जर्नलिज्म क्या होता है कि जब आप अपनी मतलब एक वही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को फॉलो करने लग जाते हो और आप बातें अपनी कहने लग जाते हो ठीक तो ऐसे जो है वहां पर ऐसे मैगजीन्स आप इन्होंने निकालना शुरू कर दिया था और ये इन्होंने जो अपना दर्पण मैगजीन था विडो रिमैरिज ठीक विडो रिमैरिज के लिए साइंटिफिक मेथड को फॉलो करने के लिए कि सिर्फ ओल्ड ट्रेडिशन मत फॉलो करो अगर वो साइंटिफिकली सही है तो मानो है ना इन सब को लाइफ में अप्लाई करने की इन्होंने बात कही थी ठीक है बाद में जो है इन्होंने बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी भी इन्होंने जो है वहां पर रखा था ठीक ये पहली साइंटिफिक लाइब्रेरी थी स्टूडेंट्स के लिए और इन्होंने एक दिग्दर्शन मैगजीन भी निकालना शुरू किया था ठीक और ऐसे ही महाराष्ट्र में कुछ परमहंस मंडलियां बनी ठीक तो ये इसमें जो है महाराष्ट्र में ये जो परमहंस मंडलियां हैं 1849 में और नाम पूछा जाएगा तो याद रखेगा दादोबा पांडुरंग दादोबा पांडुरंग मेहता जी दुर्गा राम ठीक ये लोग इसमें जो है मेनली शामिल थे परमहंस मंडली में दादोबा पांडुरंग मेहता जी दुर्गा राम ये मेन नेम थे और भी बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे तो परमहंस मंडलिया जो है ये किस लिए बनी थी कई मतलब कई ब्रांचेस थी इसमें मंडलियां लिखा हुआ है तो ये ये जो है ये हिंदुजम में और हिंदू सोसाइटी में रिफॉर्म के लिए तो हिंदू धर्म और हिंदू हिंदू धर्म और हिंदू समाज में सुधार के लिए रिफॉर्म के लिए ये परमहंस मंडलियां बनी थी तो सत्यशोधक समाज तो बहुत पॉपुलर रहा और इसने मेनली किसके लिए काम किया तो कास्ट ठीक है अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन तो इसने काम किया था और काफी ये बहुत बड़े नाम है इसके लिए तो ये जो है ज्योतिबा फुले इनका पीरियड 1827 1890 माली जाति में पैदा हुए थे और 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज बनाई थी और ब्राह्मणी सिस्टम के एकदम अगेंस्ट थे एकदम अगेंस्ट उसी इसलिए इन्होंने राम को नकारा ही रिफ्यूज्ड ही रिफ्यूज्ड राम डिवाइन और इन्होंने राम की जगह पर किसको तो इन्होंने राम की जगह राजा बाली को अपने आंदोलन का इन्होंने क्या बनाया था सिंबल बनाया था और इन्होंने कहा कि ये ब्रा... सबसे समाज में जितनी भी बुराइयां हैं उसके पीछे मुख्य जो जड़ है जो कारण है ये ब्राह्म ब्राह्मण्स हैं ब्राह्मण सिस्टम है ये वर्णा सिस्टम उन्हीं का बनाया हुआ है तो सबसे पहले इनको नकारो और इन्होंने ये भी कहा था कि ये आर्य जो उस समय मैक्स मूलर ने जो पूरा इस्टैब्लिश कर दिया था कि यार ये बाहर से आए थे तो इन्होंने कहा कि नॉर्थ इंडियन आर्यंस हैं आर्यन के जनरेशंस हैं और द्रविड़ियन ही भारत के मूल निवासी हैं ठीक तो ये इनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले भी इनके साथ-साथ उन्होंने कदम से कदम मिलाकर इनके फुटस्टेप को फॉलो किया सावित्रीबाई फुले ने और सावित्रीबाई फुले पर आपका क्वेश्चन आ चुका है 2020 में तो इन इन्होंने विमेन एजुकेशन के लिए बहुत काम किया ठीक तो इन्होंने बहुत सारे गर्ल्स स्कूल गर्ल्स स्कूल महाराष्ट्र में खोले पहली बार और विडो रिमैरिज के लिए इन्होंने खूब एक पूरा का पूरा मिशन चलाया महाराष्ट्र में ठीक और इसके अलावा इन्होंने विडोज के लिए एक शेल्टर भी बनाया था 1854 में विधवाश्रम भी इन्होंने बनाया था और इसमें जो है इतना दोनों पति पत्नी ने, ने सोचो दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों हस्बैंड वाइफ ने अपने पर्सनल लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए सोसाइटी को जो है बनाने के लिए तो इसलिए इनको जो है इनके सोशल रिफॉर्म के लिए ज्योतिबा फुले को महात्मा का टाइटल दिया गया गिरी इन्होंने एक बुक लिखी थी है ना अच्छा लोकहितवादी का टाइटल किसे दे, दिया गया यहाँ से भी आप लोगों का क्वेश्चन यस मनुवादी व्यवस्था ये जो मनुवादी मनुवादी व्यवस्था पर सबसे ज्यादा प्रहार मायावती जी ने किया जो अभी हमारे बीच मौजूद है लेकिन हाँ मनुस्मृति अच्छा मनुवादी व्यवस्था और मनुस्मृति समझ लो कि मनुस्मृति को ही सबसे ज्यादा फॉलो किया गया कि ये सब धर्मशास्त्र कहे जाते हैं तो याज्ञवल के स्मृति नारद स्मृति पराशर स्मृति मनुस्मृति ये सब क्या है धर्मशास्त्र तो जिसमें सबसे ज्यादा जो ब्राह्मी हैं उन्होंने उन्होंने मनुस्मृति को फॉलो किया ठीक है तो इसीलिए कहा जाता है कि जितनी भी बुराइयां थी उसको क्या कहा गया तो मनुवादी व्यवस्था अब बात करते हैं हम लोग गोपाल देशमुख की जिनको लोकहितवादी का टाइटल दिया गया तो ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक और सिर्फ रिफॉर्मर ही नहीं थे ये एक वहां के एक रेशनलिस्ट भी थे ठीक और ये जो है थे कौन थे तो ये ब्रिटिश शासन में जज थे न्यायाधीश थे ये तो ही वॉज अ जज अंडर ब्रिटिश रूल लेकिन तो इस वजह से ये अपना ओरिजिनल नाम छुपाते थे और लोक हितवादी के नाम से एक मैगजीन में लिखते थे प्रभाकर ठीक तो प्रभाकर मैगजीन में ये लोक हितवादी के नाम से ये लिखते थे तो ये ये तभी से जो है ये लोक हितवादी के नाम से ये फेमस हुए थे तो सोचो ब्रिटिश शासन में वो थे ये जज लेकिन ये जो है क्योंकि खुलकर नहीं लिख सकते थे इसलिए तो इन्होंने यही कहा था कि यदि कोई धर्म इफ एनी रिलीजन ये आपका डायलॉग आ सकता है इफ एनी रिलीजन डज नॉट अलाउ सोशल रिफॉर्म देन दैट रिलीजन शुड बी परिवर्तित कर देना चाहिए चेंज कर देना चाहिए क्योंकि उस समय ये था ना कि भाई धर्म नष्ट हो जाएगा सोशल रिफॉर्म करने से ये इस परंपरा सती प्रथा को खत्म करने से विधवाओं की विवाह करने से लड़कियों को पढ़ाने से है ना अनटचेबिलिटी को खत्म करने से तो ये धर्म धर्म खत्म हो जाएगा तो उसी पर ही इन्होंने बात की थी ठीक तो बहुत सारी मैगजीन्स इन्होंने शुरू में प्रभाकर में लिखते थे बाद में अपनी शुरू की ज्ञान प्रकाश इंदु प्रकाश लोक हितवादी नाम से भी ये पीरियोडिकल बाद में निकालने लगे थे अब बात करते हैं गोपाल गणेश अगरकर की तो अगरकर जो कि महाराष्ट्र के एक, एक एजुकेशनलिस्ट थे और सोशल रिफॉर्मर भी थे तिलक के सहयोगी भी रहे ये तो न्यू इंग्लिश स्कूल डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी ऑफ़ फर्ग्यूसन कॉलेज के ये को फाउंडर थे तो ये आप लोगों को डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी पूछा जा चुका है तो न्यू इंग्लिश स्कूल सस्ते में इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई भारतीय कल्चर के अनुसार इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग पढ़ाने के लिए इन लोगों ने शुरू किया था जिसमें सहयोग तिलक का भी था डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी और फर्ग्यूसन कॉलेज ठीक और इसमें जो है केसरी जो निकालते थे जो केसरी निकालते थे मराठी भाषा में लग, उसके ये फर्स्ट एडिटर रहे ठीक तो इनका नाम भी आप लोग याद रखिएगा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ये तो गोपाल कृष्ण गोखले का है ये तो हमेशा ही आप लोगों से जो है ये पूछा जाता है बस आप लोग इसको जो है ऐसे ही रा, जे राणा जी के राना डे महादेव गोविंद रानाडे की हेल्प से 1905 में इन्होंने किया था ठीक और अपने सोशल वो थॉट्स को सामाजिक विचारों को आइडियोलॉजी को इन्होंने हितवाद हितवाद में ये प्रकाशित किया करते थे पब्लिश किया करते थे और गो इनका आप लोग को पता ही है गांधी के गुरु रहे ठीक हाँ जी नहीं फर ये फर्ग्यूशन कॉलेज न्यू इंग्लिश स्कूल एजुकेशन सोसाइटी, तिलक और अगरकर ने मिलकर किया था ठीक तो परफेक्ट जी परफेक्ट जी और इम तो जी है ना तो इसीलिए यहां पर को फाउंडर लिखा हुआ है ठीक सोशल सर्विस लीग जरूर याद रखिएगा ये पहले आप लोगों से पूछा गया है नारायण मल्हार जोशी नरायन जोशी ने बंबई में सोशल सर्विस लीग शुरू किया था ये गोखले के फॉलोअर थे ठीक और इन्हों इसने किया क्या था सोशल सर्विस लीग ने तो इसने बहुत सारे स्कूल्स लाइब्रेरीज ठीक है बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज महाराष्ट्र में बनाई और इनका मोटिव क्या था तो इनका मोटिव यही था कि रिफॉर्म किया जाए और एजुकेशन को प्रमोट किया जाए सोसाइटी में और बाद में इन्होंने ही 1920 में भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनाई थी जिसको प्रिसाइड किया था लाला लाजपत राय ने ठीक तो इनको इस तरह से रिलेट करके आप लोग याद रखेगा। देव, समाज, देव अग्निहोत्री ने बनाया था 1887 में ठीक 1850 टू तो 1927 इनका पीरियड है ये ब्रह्म समाज के फॉलोअर थे इनिशियली और बाद में लाहौर में बाद में लाहौर ने में इन्होंने जो है बनाया था कौन सा तो कहा गया नाम भाई देव समाज ठीक है यहां इंग्लिश में देव समाज छूट गया है क्या जो फॉलोअर ऑफ द फर्स्ट ब्रह्म समाज ठीक है तो ब्रह्म समाज अच्छा नाम तो ऊपर है ना नाम तो ऊपर है तो ब्रह्म समाज का ब्रह्म समाज के फॉलोअर शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में 1887 कौंग्रेस, कौंग्रेस के से कांग्रेस कांग्रेस स्थापना दो साल बाद इन्होंने बनाई थी ठीक है और इनमें यही था कि मतलब जैसे इसमें इन्होंने क्या किया था कि भाई आत्मा अपने सोल को प्योर रखो अपने गुरु को रेस्पेक्ट करो ठीक है और ह्यूमैनिटी के लिए काम करो तो इसी के लिए इन्होंने जो है काम करना शुरू किया था और चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग इन्होंने एक मिशन इन्होंने चलाया था ठीक तो इनका नाम याद रखिएगा देव समाज धर्म सभा राधाकांत देव ने 1830 में की थी 1828 ब्रह्म समाज जो कि ट्रेडिशनल हिंदूइज्म को नकारता था राधाकांत देव ने इसको 1830 में की थी और ये ये कंजर्वेटिव सोसाइटी थी और इनको ये पुरातन व्यवस्था को जो हमारा जो जो ओल्ड ओल्ड ट्रेडिशन था था सिस्टम ऑर्थोडॉक्स एक तरह से हमारे जो एलिमेंट्स रहे उसको तो इन्होंने दोबारा से स्टेब्लिश करने की कोशिश की तो पुरातन रूढ़िवादिता को इन्होंने कहा कि ये सही है हमारे समाज के लिए और इन्होंने ब्रह्म समाज के रिएक्शन में अगेंस्ट में इन्होंने धर्म सभा बनाई थी तो इन्होंने सती सिस्टम को भी खत्म करने का विरोध किया इन्होंने कहा कि इससे इससे क्या होगा कि हमारा हमारी सोसाइटी हमारी सोसाइटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी हमारा जो परंपरा है वो खत्म हो जाएगा तो इसलिए इनको एक रूढ़िवादी सभा कहा जाता है और एस एन हमेशा याद रखिएगा एस एन शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पू ये जो जो एस एन डी पी है इसको जो है इसको धर्म परिपालन नारायण गुरु धर्म परिपालन सभा इसको कहते हैं तो इसमें जो है ये नारायण गुरु स्वामी ने इसको शुरू किया था केरल में तो केरल के इजवास जो कि एक अनटचेबल कम्युनिटी में आता है इजवास जाति के ये थे और ये केरल की सबसे बड़ी मतलब दलित जाति है तो इनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था जबकि जबकि ये वहां के टोटल कुल जनसंख्या का 26 परसेंट थे ये। फिर भी इनको गांव के बाहर रखा जाता था इनको कोई भी ह्यूमन राइट्स नहीं मिले हुए थे तो इनको पूजा का भी अधिकार नहीं था ये हिंदू जो देवी देवता थे शिव विष्णु इन लोगों की पूजा भी नहीं कर सकते थे तो इन्होंने शिव एक शिव मंदिर बनाया था अपने हाथों से शिवलिंग स्थापित शिव की प्रतिमा स्थापित की थी और कहा था कि पूजा देवताओं की पूजा और आराधना पर केवल ब्राह्मणों का कोई मोनोपली नहीं है ब्राह्मण डू नॉट है मोनोपली इन द वर्शिप एंड वर्शिप ऑफ डाइटीज ठीक तो और इन्होंने जो है अरवीपुरम अरवीपुरम में आज इनके नाम पर एक बहुत बड़ा ठीक है बहुत बड़ा एक सोसाइटी है धर्म परिपालन योगम उसको रजिस्ट्रेशन कराया था उस समय में इन्होंने 1903 में इनसे मिलने गांधी जी भी गए थे ठीक है वो कलीगे संघ ये इसकी शुरुआत कहां पर हुई थी तो मद्रास प्रोविंस में और ये एक ब्राह्मण विरोधी आंदोलन था क्योंकि वहां के जितने भी बड़े-बड़े मद्रास के अह मद्रास प्रांत में ही तब मैसूर आता था तो मैसूर में हुआ था ये तो उस समय जितने बड़े बड़े पोस्ट थे सब उन सब पर वहां पर ब्राह्मणों का मनोपली था एक अधिकार था गवर्नमेंट जॉब में भी पॉलिटिकल पार्टीज में हर जगह राजनीति सब जगह यही लोग लोग बड़े बड़े वहां के लैंडलॉर्ड थे तो इनके अगेंस्ट में ये वो कलिक संघ बना था ठीक जस्टिस आंदोलन को भी याद रखिएगा देखो नारायण गुरु पेरियार नायकर जो परिवार के नाम से जाने जाते हैं ईवी रामास्वामी नायकर और ये जस्टिस आंदोलन ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसके लिए तो याद रखिएगा सीएन मुदलियार टीएम नाय और पी त्यागराज तीन लोग थे इसके फाउंडर ठीक मद्रास में ये शुरू हुआ था और इनका भी यही था कि ब्राह्मणों के अगेंस्ट ही था कि जो गैर ब्राह्मण जाति हैं उनको वहां के लेजिस्लेचर में इनको भी क्या मिले रिप्रेजेंटेशन मिले जो मद्रास प्रोविंस का लेजिस्लेटिव असेंबली था और बाद में 1917 में मद्रास प्रेसिडेंशियल एसोसिएशन का गठन किया गया था इसमें जो है निम्न जाति के लोगों को सेपरेट इलेक्टोरल जो एस लोग थे उनको सेपरेट इलेक्टोरल देने की मांग की गई थी ठीक और जस्टिस आंदोलन नारायण गुरु के बाद आ गया सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट या सेल्फ स्टीम मूवमेंट कहते हैं जिसको ईवी रामास्वामी नायकर ने 1920 के डिकेड में शुरू की थी ये पेरियार के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं और इन्होंने गांधी से गांधी के से इन्फ्लुएंस होकर गांधी जिस तरह से गांधी हरिजन सेवक संघ बनाया था उन्होंने हरिजनों के लिए उनके रिफॉर्म के लिए मतलब बात करते थे जिस तरह से वो कहते थे कि सब जो है हरि के संतान हैं तो उससे प्रभावित होकर इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया था लेकिन बाद में कांग्रेस के एक सेशन में जब इन्होंने देखा पेरियार ने कि जो दलित जाति के लोग हैं उनको अलग खाने की उनकी व्यवस्था है उनको जमीन में बैठा कर खिलाया जा रहा है तो इनका मोह भंग हो गया इन्होंने कांग्रेस को छोड़ा गांधी के सबसे बड़े आ, आ, वो बने क्रिटिक बने ये और इन्होंने जो है चैलेंज किया ब्राह्मीण सुपेरियोरिटी को ठीक है सुपर मेसी को और इन्होंने कहा कि छोटे जातियों के लिए कहा कि आपको खुद ही अपने रेस्पेक्ट के लिए लड़ना पड़ेगा और इन्होंने ये मूवमेंट चलाया आत्मसम्मान आंदोलन ठीक तो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट याद रखिएगा पेरियार का अच्छा वाइकुम वाइकुम सत्याग्रह यूपीएससी पूछ चुकी है आपसे काफी पहले फिर से पूछे जाने की संभावना है थोड़ा चेंज करके तो केपी केसव ठीक 1924 में केपी केसव के नेतृत्व में कहां पर शुरू हुआ था तो केरल में क्योंकि वहां पर हिंदू टेम्पल्स में दलितों को एंट्री नहीं मिलती थी ठीक है महात्मा गांधी भी ने भी उनको सपोर्ट किया केरल विजिट किया था ठीक है और उन, उन्होंने कहा था कि भाई इनकी मांग को माना जाए और इसके साथ के केलपन केरल के के केलप्पन जो वहां के लीडर थे और वहां के एक फेमस राइटर पोइट सुब्रमण्यम तिरुमाम्बू इन लोगों ने जगह पर सोलह सोलह जो है 16, 16 कार्यकर्ता थे ठीक है तो उन्होंने जो है जो एक्टिविस्ट लोगों को का इन्होंने नेतृत्व किया था इसमें पी कृष्णा पिल्लई ठीक है पी कृष्णा पिल्लई ए के गोपालन इन्होंने भी इसमें एक्टिव रोल प्ले किया था आपको यहां से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सत्याग्रह क्या था ये सत्याग्रह किसके लिए था और इस ये अगर ये मतलब मंदिर प्रवेश आंदोलन था अगर ऐसे क्वेश्चन में ही दे दिया जाए कि ये एक जो है टेंपल एंट्री मूवमेंट था तो इसमें कौन कौन लोग शामिल थे तो इन सभी पर्सनालिटीज का नाम आप लोगों को याद रखना होगा ठीक तो ये ये सक्सेसफुल हुआ था जैसा कि आप जानते हैं कि त्रावण कोर हमने फर्स्ट लेक्चर में त्रावण कोर रियासत पढ़ा था तो त्रावण कोर रियासत के लोग वैसे भी बहुत प्रोग्रेसिव लोग थे जब राम वर्मा आए थे उसके बाद से तो बहुत मॉडर्न थिंकिंग वाले ये लोग हो गए थे तो इन लोगों ने सबसे पहले एंट्री दी थी ठीक जितने भी जितने भी रॉयल रॉयल थे जो त्रावणकोर के रॉयल टेंपल्स थे उनमें सबसे पहले इन्होंने ये अलाउ किया था दलितों को उसमें प्रवेश के लिए लास्ट आज का टॉपिक छुटा हुआ भी बात करेंगे थियोसोफिकल सोसाइटी थियोसोफिकल तो थियोसोफिकल मैडम एच बट की कर्नल अलकाट तो इन दोनों ने दोनों ने ही मिलकर इसको जो है एटीन में अमेरिका में शुरू किया था तो पहली बार ये कहां पर हुआ था 1875 में अमेरिका में भारत में ये कब आया तो भारत में ये आया 1882 में याद रखिएगा हमेशा और इसका हेडक्वार्टर उन्होंने मद्रास के अडयार में बनाया था तो ये क्वेश्चन एसएससी वाला है, है ना कई बार एसएससी में पूछा गया है आप लोगों को या जो वन डे एग्जाम्स होते हैं कि किसने बनाया हेडक्वार्टर आप, आप लोगों से पूछा जाएगा यूपीएससी में पूछा जाएगा इनकी फिलॉसफी इनकी आइडियोलॉजी कि ये किस आइडियोलॉजी पर काम करते थे तो देखो ये हिंदुइजम से बहुत इन्फ्लुएंस थे बहुत प्रभावित थे और ये पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत पर विश्वास करते थे हिंदू धर्म का जो रीबर्थ और कर्मा जो इनका पॉलिसी है उसमें बहुत बिलीव करते थे उपनिषद सांख्य योग दर्शन वेदांत इन सब को बहुत ज्यादा मानते थे और इनको फैलाने का ये जो सोसाइटी थी इन उपनिषदों उपनिषद ये थॉट्स को उपनिषद के विचारों को भारतीय दर्शन को वो बहुत फैलाने की जो है कोशिश करते थे 1907 में ऑलकाट की जब डेथ हो गई तो एनी बेसेंट यहाँ की अध्यक्ष चुनी गई थी ठीक है एनी बेसेंट जो कि जो कि जो है 1893 में ही आ गई थी भारत है ना तो ये जो है 1893 में भारत आने के बाद वो थियोसोफिकल सोसाइटी से एसोसिएटेड होकर रह रही थी और जब अलकाट की डेथ हुई थी तो 1907 में इनको थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रेसिडेंट चुन लिया गया था और एनी बेसेंट एनी बेसेंट ने जो काम किए यहाँ पर तो बनारस में सी एच एस सेंट्रल हिंदू स्कूल वो बनाया था जिसको बाद में बाद में कहते हैं कि सी एच एस के ही तर्ज पर बी एच यू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 में मदन मोहन मालवीय साहब ने रखी थी इसकी नींव तो आपको मैं बताती हूँ सी एच एस आज भी बनारस में है सेंट्रल हिंदू स्कूल बनारस में आज भी है और उसमें जल्दी क्लास में एंट्री नहीं मिलती सिर्फ और सिर्फ टैलेंट के बल पर मिलती है उसका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो क्वालिफाई करना आसान नहीं होता और जिनको सीएचएस में मिल जाता है एडमिशन उनके लिए बी एच यू का रास्ता खुल जाता है ठीक तो चलिए आप कुछ क्वेश्चन करते हैं अपने ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्रीज के तहत और जो आज हमने पढ़ा है उसी पर क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन तो सबका आंसर आ रहा है सी राधा कांत देव तो हमने अभी बात किया था है ना हमने बात किया था कि किस तरह ब्रह्म समाज जब बहुत ज्यादा जो यूथ थे वो ब्रह्म समाज को हाथों हाथ लिया और बहुत जब पॉपुलर होने लगा तो उसके अगेंस्ट में 1830 में इन्होंने 1830 में राधा कांत ने धर्म सभा बनाई थी ठीक है किसने आत्मीय सभा बनाई थी इनमें किसने आत्मीय सभा बनाई थी तो काफी सारे लोग जो है कुछ लोग ए कह रहे हैं कुछ लोग बी कुछ लोग सी कह रहे हैं तो आत्मीय सभा आज हमने डिस्कस किया था राजा राम मोहन राय ने आज के क्वेश्चन इजी इजी ठीक है, है क्योंकि आज के जो क्वेश्चन है वो मैंने अपने हाथों से नहीं बनाया है हालांकि मेरे क्वेश्चन में भी आप लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे कुछ जो रेगुलर स्टूडेंट है उनका आंसर राइट right होता है तो आत्मीय सभा जैसा कि मैंने बताया कि 1816 में किसने बनाया था तो राजा राम ने है ना ठीक है अच्छा अभी पारसियों का मैं नेक्स्ट सेशन में करने वाली हूं अभी आज मैंने आप लोगों को बाकी सिर्फ हिंदू धर्म का पढ़ाया है और धर्म का नहीं पढ़ाया है फिर भी एक क्वेश्चन है देखिए हाँ जी क्या आंसर कर रहे हैं आप लोग नंबर नंबर डाल दीजिए थर्ड थर्ड तो third का इसमें दिया हुआ है कि भाई 1851 में पारसियों पारसियों में सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म के लिए एक बनाया गया था संगठन रहनुमाई मजदायासन सभा तो ये जो रहनुमाई माजादा सभा था इसके फाउंडर्स में कौन कौन नहीं थे तो आप लोग दादा भाई नौरोजी फुरदौन जी ये सब ये सारे ही थे इसमें एस एस बंगाली दादा भाई नौरोजी नौरोजी फुरदौन नौरो जी, जी सब शिबली नोबानी नहीं थे शिबली नोबानी ये देवबंद आंदोलन से जुड़े हुए थे ठीक ये देवबंद आंदोलन जो मुस्लिम्स मुस्लिम्स प्रोग्रेसिव मुस्लिमों में एक प्रोग्रेसिव वो रहा है पार्टी आज भी देवबंद मदरसा बहुत मॉडरेट बात करता है तो उससे ये जुड़े हुए थे शिबली नोबानी तो ये ऐसे क्वेश्चन आप लोग तब कर पाएंगे जब आप लोग बाकी सब भी मतलब पारसियों में जो हुआ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म जो मुस्लिम्स में हुए वो उसको भी आप लोग पढ़ लेंगे तो नेक्स्ट क्लास में जो है मैं आप लोग को यही पढ़ाऊंगी ठीक ये एक ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको बताना चाहती हूँ मैं आप लोगों को क्वेश्चन के थ्रू बताना चाहती हूँ कि ये भी एक ध्यान में आप लोग रखिएगा कि किसने कहा था कि इट्स अ गॉड अपॉन ऑल रिलीजन विद वन आई दैट इज वाई ही लुक अवे द लाइट फ्रॉम द अदर तो ईश्वर की इच्छा है कि मैं सभी धर्मों को एक आंख से देखूं इसलिए वो दूसरे से प्रकाश को दूर रखता है अच्छा नहीं नहीं देखा था आपने ओके तो देखिए फोर्थ का ये, ये बहुत कॉमन सेंस वाला आंसर है रंजीत सिंह जिनकी एक आंख पत्थर की थी और रंजीत सिंह बहुत सेक्युलर नेचर के थे इनके कोर्ट में हिंदू सिख मुस्लिम सबको इक्वल स्पेस दिया गया था है ना भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का प्रकाश स्तंभ कौन कहा जाता है Yes. तो राजा राम मोहन राय बहुत ही आसान सवाल तो याद रखिएगा कि इनको प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं ये क्वेश्चन देखिए कुछ पार्टीज हैं कुछ फाउंडर हैं ताफी सबकी की तो बात हम लोग कर चुके हैं बहुत इजी बहुत आसान आज आसान क्वेश्चन है कल थोड़े टफ होंगे कल थोड़े टफ होंगे क्योंकि कल हम लोग इस सेक्शन को कंप्लीट कर चुके होंगे तो सिक्स का ए है ना ए बिल्कुल आसान है राजा राममोहन राय आत्मीय सभा देवेंद्रनाथ टैगोर बोधिनी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन आत्मा राम पांडुरंग प्रार्थना सभा ठीक क्वेश्चन नंबर सेवन आंसर कर रहे हैं आप लोग अभी तक मुझे सिक्स का ही दिख रहा है सेवेंथ का सिद्धार्थ यादव का आंसर आया है थोड़ा फास्ट चले आप लोग ओके वेरी गुड तो ए ही होगा इसमें है ना इसमें ए ही होगा क्योंकि इन्होंने कन्वर्जन को तो पुश किया था लेकिन ये धार्मिक शिक्षा नहीं देते थे ठीक है चलिए आप लोगों को अगर मेरी आवाज आ रही है तो सेशन यही खत्म करते हैं ठीक है अगर आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ठीक है तो वेलकम 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 मैंने सोचा कि बाय बाय कर लिया जाए आप लोगों से फेस टू फेस तो फेस टू फेस बाय बाय करते हैं अंधेरे में नहीं तो चलिए ये ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा केशव चंद्र सेन आपको पता है आत्माराम पांडुरंग के साथ महादेव गोविंद रानाडे भी जुड़े हुए थे इससे है ना तो इसको जो है चलिए इस इन सबको अब कल कर लेंगे हम लोग ठीक है तो देखिए सोशियोलॉजी का बैच चल रहा है मेरा डेली चलता है थ्री पी एम टू फोर थर्टी और ये फाउंडेशन बैच भी टेंथ अक्टूबर से चल रहा है डेली सिक्स पीएम पर तो वाई फाइव सिक्स वन के साथ आप लोग आ सकते हैं ठीक है और ये जो है आप अपना होमवर्क मैंने कल का शेयर कर दिया है कल का शेयर कर दिया है मेरे टेलीग्राम में आप लोग को मिल जाएगा कल का फाइल आज का भी शेयर कर दूंगी होम होमवर्क के नोट्स बनाते रहिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन बाय बाय